मैं डॉक्टर मोहम्मद वसी बेग आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर बेग फोरम में फिर से इस्तकबाल करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो वीडियोस होती हैं वो रिलीजियस कुछ वीडियोस होती हैं, उसके साथ साथ कुछ टेक्निकल कुछ वीडियोस होती हैं, उसके साथ कुछ एकेडमी से रिलेटेड वीडियोस होती हैं, साथ में पोइट्री की वीडियोस होती हैं। तो मेरी यही सब की सीरीज़ चलती है। तो आज एकेडमी से रिलेटेड जो सीरीज़ है उसमें आज हम बात करेंगे कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लास कोऑर्डिनेटर। आप जानते हैं कि क्लास कोऑर्डिनेटर की बहुत बड़ी एक अहमियत होती है किसी भी स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में। क्लास कोऑर्डिनेटर जो है एक मेंटर की हैसियत रखता है, और उस सबसे पहले क्लास कोऑर्डिनेटर को, अपने क्लास कोऑर्डिनेटर को उसके ऑब्जेक्टिव का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो क्लास कोऑर्डिनेटर की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी यह है टू हेल्प स्टूडेंट इन देयर परस्यूट ऑफ नॉलेज। नॉलेज किसी भी फॉर्म में हो उसको हेल्प करे, और मेंटर की हैसियत उसको रखता है, उसकी जो भी कमियां हैं उसको दूर करे, उस पर वर्कआउट करे, SWOT पे उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाए, उसकी वीकनेस को कम से कम करे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे, और उसको जो जो भी बातों से डर लगता है उसको हम जो है एक क्लास कोऑर्डिनेटर होने के नाते या फिर एक मेंटर होने के नाते जिन बातों से डर लगता है उस डर को दूर किया जाए। सबसे पहले क्या है कि क्लास टीचर का, क्लास कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी ये है कि जो भी क्लासेज में क्लास टेस्ट होते हैं उनको डिस्प्ले करना, ऑन टाइम डिस्प्ले करना, चाहे वो क्लास टेस्ट हो या एग्ज़ाम किसी तरह का भी एग्ज़ाम्स हैं उनको डिस्प्ले करना है सबसे पहली चीज़ होती है। उसके साथ साथ जो है वो उसको नोटिस बोर्ड पे भी डिस्प्ले करना, उसको वेबसाइट पे भी डिस्प्ले करना, साथ में जो है उसका अटेंडेंस का ख्याल रखना, अटेंडेंस भी कम हो रही है तो उसको रेगुलर बताते रहना, शॉर्ट अटेंडेंस ना हो, और उसके लिए भले ही उसके पेरेंट्स से उनको बात करनी पड़े, बच्चों से रिलेटेड कुछ भी अगर कमी लग रही है या अच्छा ही लग रही है, मोटिवेशन का कोई बात है, तो बच्चों क्लास कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी है कि वो रेगुलर बेसिस पे बच्चों को विजिट कराएं। बाकी इसकी और ज़िम्मेदारी ये भी है कि अगर हम विजिट हो रही है, इंडस्ट्रियल विजिट हो रही है या स्पोर्ट्स विजिट हो रही है तो उसकी अटेंडेंस को भी मेंशन करना, स्टूडेंट की अटेंडेंस को मेंशन करना। उसके साथ साथ जो है बच्चों की क्वेरीज, किसी तरह की कोई भी क्वेरीज हो रही है उसको जो है वो एड्रेस करना, बाकी रेगुलर बेसिस पे पेरेंट्स से मीटिंग करना उसकी ज़िम्मेदारी है, और ख़ास तौर पे जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उन डिफ़ॉल्टर्स में उनको दूर कैसे करा जाए, डिफ़ॉल्टर की जो कमियाँ उसको दूर कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। उसके साथ साथ आपके एकेडमिक जो सेक्शंस हैं उनसे रिलेटेड उसे टच में रहें, बच्चों की जो भी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसको दूर करना, बाकी रेगुलर बेसिस पर अपने HOD से टच में रहें, बच्चों से रिलेटेड बात करें, और बच्चों को हर लेवल पर मोटिवेट करें, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हो, और या एजुकेशन या एकेडमिक से रिलेटेड जो भी बात होती है, ये सारी बातें थी, ये क्लास कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरे जो वीडियोज़ हैं जितने उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।